guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Today video is facial review. मैंने Instagram पे post story डाली थी और मैंने वहाँ पे voting की थी, तो मैंने पूछा था कि makeup पे video आनी चाहिए या facial review पे. तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि आप किसी facial पे वीडियो बनाओ, वीडियो अपलोड करो जो कि बहुत बेस्ट हो. तो ये जो वीडियो मैं जिस फेशियल के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका. तो ये है जेंसन का फेशियल. ये मैंने लिया था मेकअप सिटी से और इसमें दो पैकेजिंग आती हैं, एक स्मॉल आती है और एक जो है इसकी बड़ी आती है. तो अभी जो मेरे पास है इसकी जो है बड़ी पैकेजिंग है. जस्ट मेरे पास जो इसका क्लिनज़र है वो छोटी पैकेजिंग में है. ये इसके इम्प्यूल्स हैं, आपको और भी इसमें मिल जाएंगे. काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इस फेशियल के अंदर. नाइट क्रीम हो गई, डे क्रीम हो गई, मास्क हो गया, क्लिनज़र जो हो गया, ऑयली स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई. आप सर्दियों में कौन सा फेशियल करो, गर्मियों में, मतलब कि इसमें ए टू जी सारी जो है फेशियल्स जो है टोटली इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो. ये अभी जो फर्स्ट ऐप है इनका, ये इसका है क्लिनज़र जो कि मिल्की फॉर्म में है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको काफ़ी कम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लेना पड़ता. तो इसके साथ मैं इसको मसाज करूँगी. आप जब भी कोई भी फेशियल करते हो तो कम से कम आप अगर फेस पे क्लिनजिंग कर रहे हो तो पहले जो है आप क्लिनजिंग करते हैं कि अपने फेस से जो डर्ट वगैरह है वो निकल जाए. तो जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, जैसे कि अब मैं हैंड्स पे, जैसे निकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपके जो है एक तो ड्राई होते हैं, दूसरा वहाँ से आपका जो कलर होता है आपके हाथों के लिहाज से वहाँ पे डार्क होता है, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हो. तो अभी मैं इसको जो है 5 मिनट तक कम से कम जो है मैं इसकी क्लिनजिंग करूँगी. और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अभी क्लिनजिंग या स्क्रबिंग या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो सिवाय मसाज के, तो अगर आपको लगता है कि ये अब ड्राई हो रहा है और आपके जो हैंड है वो सॉफ्टली मूविंग, मतलब उसकी नहीं हो रही, तो आप उसमें पानी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो कि वो जो उसके अंदर आप आराम से क्लिनजिंग कर सको. तो आप थोड़ा थोड़ा हाथ के ऊपर पानी लगा के या हैंड्स पे लगा के फेस पे मसाज कर लेते. तभी जो है हमारी क्लिनजिंग ख़त्म हो गई. तो मैं अब क्लिनजिंग को जो है वो रिमूव कर रही हूँ फेशियल स्पंज की मदद से. तो आप अभी भी देखें कि इस हाथ में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है. अभी जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग का. इसका स्क्रब जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये हमारा सेकंड स्टेप है. आप थोड़ा सा स्क्रब लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं लोगे, जैसे कि आपने क्लिनजर लिया था. अभी जो ये स्क्रब है मैं अपने पूरे हाथ पे जो है इसको फैला दूँगी. अगर आप फेस पे कर रहे हैं तो फेशियल, तो आप उसको जो है अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दोगे और उसके बाद जो है आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे. और 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, 5 मिनट आप थोड़ा रेस्ट कर लें. जब 5 मिनट गुजर जाए तो आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करें. बट जो हम लोगों की हैंड्स की जो मूविंग होती है, हम लोग जैसे कर रहे होते हैं क्लिनजिंग, तो क्लिनजिंग में हम लोग थोड़ा सा जो हाथ होता है वो थोड़ा सा सख्त भी रख सकते हैं. बट जो हम लोग स्क्रबिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपको करनी पड़ती है, जैसे कि आप किसी बेबी स्किन पे कर रहे हो. जैसे कि निकल्स वगैरह हमारे थोड़े डार्क होते हैं, जो हमारे फेस के ऊपर टू टोन स्किन हो जाती है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एरियाज जो है वो थोड़े से डार्क हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ी सी स्क्रबिंग जो होती है ज़्यादा करते हैं. बट जब भी आप स्क्रबिंग करें, आपके हैंड जो होते हैं वो उनकी स्किन होती ही ऐसी है कि आप उसके ऊपर अगर थोड़ा सा हार्ड भी स्क्रब यूज़ करते हो तो कोई मसला नहीं होता. बट जो आपका फेस होता है उसकी स्किन ऑलरेडी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है और कुछ लोगों की तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. तो आप उसके ऊपर जैसे आप करते हो मसाज करते हो जिस तरह का, बहुत ही सॉफ्टली, आप नेक पे कभी भी स्क्रब नहीं यूज़ करते, आप जस्ट फेस पे अप्लाई करेंगे और वो भी आप पानी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके और उसको इस तरह से मूव करेंगे और बहुत ही सॉफ्टली, जैसे आप किसी बेबी के ऊपर मसाज करो.
सेकंड पे जो ये है ये फ्रेशनर है, जैसे कि और हम लोग फेशियल में टोनर यूज़ करते हैं तो इसकी जगह पे ये फ्रेशनर आता है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश कर देता है। आप जस्ट इसको लगाते हैं पूरे फेस के ऊपर, पूरे फेस के आप ऊपर इसको लगा देंगे, फैला देंगे अच्छे तरीके से, और इसको आप छोड़ देंगे 5 मिनट या तब तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। तो हम इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। जिनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है वहाँ पे तो ये बहुत क्विक से ड्राई हो जाता है, और जिनकी जो जगह जो होती है ऑयली होती है, जैसे नोज़ का एरिया हो गया, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम लेता है इसको एब्जॉर्ब करने में। तो एब्जॉर्ब जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद जो है आप अपनी स्किन को देखते हो कि अगर इस पे ऊपर ज़रूरत है तो आप देन फ्रेशनर इसके ऊपर लगा देते हो, अगर नहीं है तो उसके ऊपर मैं अब इम्प्यूर लगाऊंगी। ये नहीं है फ्रेशनर आप फेशियल में इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, क्लींजिंग फिर फ्रेशनर, स्क्रबिंग फिर फ्रेशनर, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, बट एक दो बार अगर आप यूज़ करते हो तो इनफ है। अभी मैं जो इसके ऊपर जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये इसका इम्प्यूल है, ये वाइटनिंग इम्प्यूल है, तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से फैला दूँगी और इसको छोड़ दूँगी जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। एब्जॉर्ब जैसे ही ये होगा तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बट जिन लोगों के फेस पे होते हैं दाग धब्बे हो जाते हैं, टू टोन स्किन हो जाती है, पिगमेंटेशन होती है, तो वहाँ पे हम लोग जो ये सीरम्स होते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और अगर आपको लगे कि आप सेकेंड टाइम भी अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अभी हमने जो है ड्राई कर लिया, उसके बाद मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज में कभी भी आप पानी नहीं यूज़ करते, ये खुद ही इतना ज़्यादा ऑयली होता है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से मसाज करूँगी। अगर आप जैसे फेस के ऊपर मसाज करते हो तो आपको हमेशा जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। हमारा जो असल में जो फेशियल का मकसद होता है वो आपकी स्किन को टाइट करना है। अब जैसे जिन लोगों की स्किन जो होती है काफ़ी मतलब जिन लोगों की 30+ एज हो जाती है तो उनके ऊपर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि जैसे ही हम लोग 30 या 25+ हों तो मंथ में हम एक बार ज़रूर फेशियल है जो करना चाहिए। उससे हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, और हम लोगों की जो स्किन है काफ़ी फ्रेश रहती है और काफ़ी टाइम तक यंग रहती है, उसके ऊपर जो होती है रिंकल्स नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिन लोगों की 30 या 20+ एज है उनको हर मंथ जो है उनको फेशियल करना ज़रूरी है। और ये मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाज करूँगी, और जो लोग चाहते हैं कि हमारा फेस वैसे ही फ्रेश रहे तो उनको चाहिए कि जो लोग काफ़ी यंग हैं तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो क्लींजिंग होती है वो आपको वीकली करनी चाहिए। और जो ख़ास तौर पे मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको तो चाहिए कि वो 1-2 दिन के बाद मस्ट कर लें। अभी जो है मैं ये जो है फ्रेशनर, देन मैं इसके ऊपर फ्रेशनर अप्लाई करूँगी, और फ्रेशनर अप्लाई करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने ये था कि जब वो ड्राई हो गया मैंने रिमूव करके अब जो इम्प्यूल कुछ जो और बचा हुआ था वो मैंने अपने हाथ पे जो है दोबारा से लगा दिया। तो दोबारा से लगा के मैं इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपका जो है इम्प्यूल बच जाता है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं मास्क से पहले। तो अभी उसका ड्राई हो गया था, उसके बाद मैंने रिमूव किया। ये मैंने थोड़ा सा इसका जो मास्क है ये पाउडर फॉर्म में है, मैंने ये 1 चम्मच तक ले लिया जो मुझे हाथ के लिए ज़रूरत था। उसके बाद ये एक्टिवेटर है, मास्क एक्टिवेटर, मैं इस ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मैं इसको अपने मास्क के हिसाब से ही ऐड करूँगी। तो ये हम लोग पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, और इसकी जो है हम लोग इसको थिक थिक बनाएंगे। अभी मैंने इसको हाथ के ऊपर अप्लाई कर लिया है और मैं इसको छोड़ दूँगी कि ये यहाँ पे आके ड्राई हो जाए। तो अब ये जो है मैंने काफ़ी मतलब 15 मिनट मुझे लग गए थे इसको ड्राई करने में, तो 15 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर उतारूँगी। तो जैसे पील ऑफ मास्क को हम लोग उतारते हैं और ये अच्छे तरीके से वहाँ से रिमूव हो जाता है, बट उसमें ये होता है कि आपके जो हेयर्स हो गए हैं फेस के वो भी साथ में निकल आते हैं जो बेबीज हेयर होते हैं। बट जो ये है ये कुछ भी आपके स्किन को हर्म नहीं करता, ये आराम से बिल्कुल आराम से निकल आता है। बट ये भी पील ऑफ मास्क की तरह, अगर आप इसको
अपनी स्किन से उतारोगे तो आराम से उतारेगा, बट ये बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा, बिल्कुल बहुत आराम से आता है। और जैसे ही आप मास्क उतारे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो मैं अब इसको जो है अपने हाथ पे जो है बिल्कुल प्रॉपरली इसको सारा उतार रही हूँ, और ये आराम से ही बिल्कुल स्किन की तरह ये ऊपर से रिमूव हो रहा है। तो मैं इस अपने जब हाथ पे इसको प्रॉपरली उतार लूँगी तो मैं इसके बाद इसके ऊपर देन फ्रेशनर मस्ट यूज़ करूँगी। फ्रेशनर यूज़ करने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने जो है फेशियल के बाद अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो, आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाते रहें। अगर आपके इसी ब्रांड की आपके पास नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, तो आप वो मस्ट यूज़ करें। उसके बाद जो है आप धूप में या अगर बहुत गर्मी है तो आप वैसे आग के पास भी ना जाएं, और अगर गर्मी नहीं है फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए, आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, आपको हीट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना ज़रूरी होता है, और कम से कम आपको 12 घंटे जो है आप फेस वॉश यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब